अगर हम आपसे पूछें कि कोई एक ऐसी फील्ड का नाम बता दीजिए जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो यकीनन आप चकरा जाएंगे, क्योंकि अब ऐसी कोई फील्ड बची ही नहीं है जहां पर कंपटीशन ना हो। हाँ, बात करें अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की, तो वो हमारे देश में दो तरह के प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा है। एक तो UPSC क्रैक करने में, और दूसरा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक मजबूत जगह बनाने में। वैसे बात जब स्ट्रगल पर आई है, तो अनन्या पांडे का नाम हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया था वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। एवरीबॉडी हैज देयर ओन स्ट्रगल, सबका स्ट्रगल अलग होता है, बट डिफरेंस यही है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। खैर, ये तो रही मजाक की बात, अब कुछ काम की बात ही आपसे कर लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंपटीशन की, और मौजूदा समय में कंपटीशन की ये जंग योहानिस सिंह और बादशाह के बीच बहुत जोरों से चल रही है, और दोनों की जंग का सोशल मीडिया पर बहुत कायदे से बज भी बना हुआ है। मुद्दे की बात तो ये है कि बादशाह इसमें हनी सिंह को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी हिप हॉप कल्चर बहुत फल फूल रहा है। हिप हॉप और रैप एक तरह की अर्बन यूथ कल्चर की म्यूजिक है, जिसकी शुरुआत अमेरिका में 1970 और 1980 के दशक में हुई थी। अब साफ लफ्जों में कहें तो ये अफ्रीकन और अमेरिकन नौजवानों की इजाद की हुई तेज धुन पर थिरकने की एक वाहियात हरकत है। रैप का मतलब होता है लफ्जों को एक सीक्वेंस में तेज पेस म्यूजिक के साथ गाना, जबकि हिप हॉप में रैप के साथ बीट, ब्रेक डांस और ग्राफिटी के साथ गाना। वैसे तो इंडिया में हिप हॉप कल्चर को लाने में बाबा सहगल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस कल्चर को बूस्ट करने में, इंडिया में इसको पॉपुलर करने के लिए अगर किसी को क्रेडिट जाएगा तो वो योहानिस सिंह ही होंगे। हनी सिंह जब अपने करियर के पीक पर थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे गाने निकाले जो आज भी लोगों को प्योर हॉलीवुड वाली वाइब्स देते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम एक वक्त में ऐसा था जब शाहरुख, सलमान जैसे सुपरस्टार को, यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक को अपनी फिल्में हिट कराने के लिए अपनी फिल्मों में हनी सिंह के गाने डालने पड़ते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब पलटता है तो अच्छे अच्छों को ले डूबता है, तो कुछ ऐसा ही हाल हनी सिंह का भी हुआ। आज हनी सिंह बैकअप करने की लाखों करोड़ों कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कामयाब नहीं हो पा रहे। वहीं दूसरी तरफ बादशाह, जिन्होंने कभी हनी सिंह की उंगली पकड़कर हिप हॉप और रैप इंडस्ट्री में अपने कदम रखे थे, और वो आज तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में मशहूर मोस्ट पॉपुलर डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर स्पॉटिफाई ने अपने टॉप 10 हिप हॉपर्स की लिस्ट निकाली, और इस लिस्ट में ड्रेक टॉप पर है, तो वहीं एमिनेम दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा दुनिया भर के और बड़े बड़े रैपर्स इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए, और टॉप 10 की इस लिस्ट में दो इंडियन रैपर्स के भी नाम हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि उन दो नामों में से एक नाम तो योहानिस सिंह का होगा ही, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस लिस्ट में तो हनी सिंह का नाम है ही नहीं। लेकिन हाँ, उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बादशाह जरूर 10वें नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। जी हाँ, 2,71,06,911 फॉलोवर्स के साथ बादशाह स्पॉटिफाई के टॉप 10 हिप हॉपर्स की लिस्ट में 10वें पोजीशन पर है, जो कि यकीनन एक बड़ा रिकॉर्ड है। खैर, हनी सिंह तो बादशाह से बुरी तरीके से पिछड़ गए, लेकिन चलिए अब आपको उसे दूसरे इंडियन का नाम बता देते हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। थोड़ा गेस कीजिए, थोड़ा सोचिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए, और बताइए कौन है वो इंडियन हिप हॉपर जो रैपर जो स्पॉटिफाई के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फॉलोड टॉप 10 हिप हॉपर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना पाए। नहीं मालूम, चलिए हम ही बता देते। वो नाम है नन अदर देन सिद्धू मूसेवाला का। जी हाँ, आज भले ही सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी पूरी दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। तभी तो वो 3,51,21,019 फॉलोअर्स के साथ लिस्ट में 5th पोजीशन पर अपनी जगह बना पाए। 2 साल पहले यानी 2022 में दुश्मनों ने सिद्धू मूसेवाला को तो मार दिया था, लेकिन वो उनके गाए हुए गानों को नहीं मार पाए, और वो आज भी तबाही मचाकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।